हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सिमेट्री और पैटर्न से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिमेट्री क्या होती है, जब लाइन के दोनों साइड एक जैसी शेप होती है तो उसको सिमेट्री बोलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिमेट्री कंप्लीट करनी है तो हम इसको इस तरह से सेम, जैसे एक साइड बना हुआ है उसी तरह से दूसरी साइड बना सकते हैं, या एक और करते हैं तो इसके बीच में डॉट और फिर इस तरह से हम फिगर कंप्लीट कर सकते हैं, या इस तरह ये सिमेट्री इसी तरह से बाकी के फिगर्स की भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें इस फिगर को स्टडी करना है और बताना है कि ये दो सिमिलर हाफ में डॉटेड लाइन इसको डिवाइड कर रही है कि नहीं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये इक्वल पार्ट है, डॉटेड लाइन के इस साइड का पार्ट सेम है, एस में इसमें नहीं है तो ये नहीं कर रही है, पी में भी नहीं कर रही है, इसमें कर रही है बटरफ्लाई में, जेड में भी नहीं कर रही है और फिश में भी नहीं कर रही है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है थ्रू द फॉलोइंग फिगर्स। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में इसमें सिमेट्री लाइन क्या होती है, हम उसके एकदम बीच में बनाते हैं जिससे कि दोनों साइड की सेम शेप रहे। इसलिए यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ पर भी वर्टिकल, यहाँ पर भी वर्टिकल, इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कुछ पैटर्न ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और क्या किस रूल से वो रिपीट हो रहे हैं उसको पहचान के पूरा करना है। जैसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि स्क्वायर, ट्रायंगल और फिर पेंटागन और फिर ये क्वाड्रिलेटरल है, फिर स्क्वायर, ये चार फिगर का रिपीटिशन है। फिर से ये चार फिगर आए, फिर से ये चार फिगर आए, अब इसके बाद फिर से यही पैटर्न फ्लो होगा। तो इसको हम स्क्वायर, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक पेंटागन और फिर एक इस तरह का शेप ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं चार चार शेप्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी के बाद ट्रायंगल के बाद हम फिर से ये पहले वाली शेप, फिर दूसरे वाली शेप, फिर तीसरे वाली शेप और फिर चौथी शेप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें तीन तीन शेप का रिपीटेशन हो रहा है तो हम इसीलिए ओवल, फिर सर्कल और फिर स्क्वायर इस तरह से इस पर पैटर्न पहचान के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूल पहचानना है और उसको पैटर्न को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर एक से तीन हो गए, यहाँ पर तीन से पाँच हो गए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस टू हो गए और यहाँ पर फिर प्लस टू हो गए। तो अब हम यहाँ पर फिर प्लस टू करेंगे तो कितने बन जाएंगे, सेवन। तो हम किस तरह से बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरह से। इसके बाद इसी तरह इसमें प्लस टू करके नाइन के फिगर बनाएंगे। बी पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक एक ट्रायंगल वो हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट पार्ट में बनाया हुआ है। यहाँ वन टू थ्री फोर, यहाँ पर ये एक लाइन हट गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इसमें दोनों लाइन हट गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से एक लाइन हटा देंगे और फिर इसके बाद दोनों लाइन हटा देंगे। इस तरह से हम इसका पैटर्न कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैटर्न पहचानना है और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये सब कारपेंटर से रिलेटेड हैं और लेकिन जो ये ब्रश है ये पेंटर से रिलेटेड है, तो ये इसमें ब्रश को हम टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में केतली, कप, मग, चाय की कैटल, ये चाय से संबंधित हैं लेकिन ये जो तवा है ये अलग है। इसके बाद जग, बॉटल, गिलास, ये सब
इसमें जग और बॉटल, फिर गिलास, फिर जग, फिर बॉटल, फिर गिलास को हम इसमें फॉलो करेंगे। इसी तरह से कैटल मग तवा, कैटल मग तवा। इसी तरह इसमें हैमर सो ब्रश, हैमर सो ब्रश, इस तरह से हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैटर्न को एक्सटेंड करना है। जैसे हम देख रहे हैं एरो एक एक साइड बैक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे होता जा रहा है, तो अभी हम इसके बाद ये हमारा एरो जो है ये अपवर्ड हो जाएगा, तो ये वापस पहले वाला शेप बन जाएगी। इस तरह से हम पैटर्न रिपीट करेंगे, ए डी एफ, ए डी एफ, ए डी एफ। तो हमारा यहाँ पर पैटर्न फिर क्या होगा, ए डी एफ, ए वन बी टू सी थ्री, फिर यहाँ क्या होगा, डी फोर ई फाइव। इस तरह से हम पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।